ये देखें जी, मैं ऊपर मुर्गियों को पानी डालने के लिए आया हूँ, तो बाल्टी में ये बेचारी चिड़िया गिरी हुई थी, इसको निकाल लेते हैं। पर देखें बेचारी, इसको ड्राई करते हैं, फिर इसको पुश कर इसको आज़ाद कर देंगे। अभी फिलहाल इसको मैं एक छोटी वाली बास्केट में डालता हूँ, टोटली गीली, अगर इसको छोड़ा तो गीली ना खा जाए, तो इसलिए जो ना इसको भी मैं फिलहाल इसमें रखता हूँ, इसको ड्राई कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की। आज मैंने सारे चूज़ों को खुला छोड़ दिया जी। दाना मैंने वाफड़ में उगाड़ में माशाल्लाह डाला सभी को, एज रूटीन के मुताबिक। तो ये माशाल्लाह सभी खा रहे हैं। रात वाला सालन और कुछ चावल थे वो मिक्स करके मैंने डाले हैं जी, माशाल्लाह जी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी सभी खा रहे हैं। और अब इनको मैं डालने वाला हूँ ये टमाटर और पालक। आज इनका टेस्ट भी थोड़ा चेंज करते हैं, टमाटर और पालक डालने वाला हूँ, वो कटिंग कर लूँ फिर मैं इनको डालता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टमाटर और पालक काट लिया, और ये देखिए सभी वेट में जी कब हम ये डालेंगे। और अब जी मैं इनको डालने वाला हूँ, ये देखें बहुत शौक से माशाल्लाह खाते हैं सारे, इनको पसंद है टमाटर भी पालक भी, इनको डालो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पालक भी डाल रहा हूँ साथ, टेस्ट भी इनका चेंज हो जाएगा, खुश हो जाएंगे जानवर भी। छोटे चूज़ों को जी आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इनको मिट्टी वाले खुडे में थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। ये देखें जी मैंने इनको छोटे चूज़ों को ना मिट्टी वाले खुडे, ये देखिए जी छोटे चूज़ों को मैंने मिट्टी वाले खुडे में छोड़ दिया। ये खुदी हाथ पांव मारेंगे, हाथ पांव से मरा दिए कि खुद ही खेलेंगे, तो ज़रा ठंडक फील महसूस करेंगे। अभी इनका दरवाज़ा मैं कर देता हूँ बंद, साथ में जो बड़ी मुर्गियाँ को तंग ना करें, आराम सुकून से ये खेलते रहेंगे। ये देखिए जी मैंने चूज़ों को इनसे शिफ्ट किया, मुर्गी पार्ट पिक्चर से देख रही थी तो मैंने मुर्गी को छोड़ा, देखो माशाल्लाह फिर उसको इतना पता ही है मेरे चूज़े ही हैं, बोलती नहीं है जी, हालांकि उसको अलग कर दिया हुआ है। तो देखो मट्टी में उनको खेलने का तरीका बता रही है, तो ये खेलेगी, चूज़ों को भी पता लगेगा, उनको भी ज़रा सुकून हो जाएगा माशाल्लाह जी। ये देखो अपने चूज़ों को भी साथ साथ बता रही है। ये देखिए जी चिड़िया जो सुबह पानी वाली बाल्टी में गिरी हुई थी ना, अब उसको मैंने निकाल के ट्राई किया और छत पे ले आया हूँ। बेचारी का पैर जो है शैल हुआ, ये बस इस तरह भाग रही है, इस तरह दाना वगैरह खा रही है और फिर नीचे गिर जाती है, उठती है यानी कि नहीं उठती। इसको मैंने आज़ाद छोड़ दिया, बिल्ली ना इसको खा ले, बस इसी चीज़ की टेंशन है जी मुझे। पिंजरे की अब अंदर चल गई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें बाहर निकाल तो, वो देखें जी इतना सा बस उड़ती है फिर पिंजरे भी नहीं जी। देखें जी कबूतरों को इस टाइम जो मैं सुबह सुबह जब पास से उतरना खुला छोड़ देता हूँ, तो ये यहाँ पे बैठ जाते हैं, पिंजरे से यहाँ उड़ के खुद ही अपने अपने पिंजरों में चले जाते हैं। उससे ये अगर इनके बड़ वगैरह खुलते हैं और ये एडजस्ट भी अपने आप को सेट कर लेते हैं, हालांकि इसका पिंजरे में वो बना हुआ है बॉक्स तो, लेकिन मुर्गियां जहाँ पेंडे थी वहाँ पे घोंसला बना के सोच रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब इनको दाना पानी, इनको मैं कर लेता हूँ बंद। यार बिल्ली का कोई पता नहीं है कब इनको पड़ जाए, कोशिश कर रहा हूँ इनको बंद करने की। देखो अब इनको पहले मैं कर लूँ बंद,
इसको तो मैंने लिया पकड़, लो करनी है अपनी मर्जी है जिन्होंने। ये देखें इस तरह तांग करते हैं, मुझे डर है कहीं वो बिल्ली ना इनको पड़ जाए आगे से। चले पहले मैं इनको कर लेता हूँ बंद, मेरे को तो जो मैंने कर लिया बंद। अब ये फीमेल लगी भाई तांग कर रही है बहुत ज़्यादा, इसने यही करते रहना जी जी। मैंने इसको बड़े बुरे तरीके से बिचारी को पकड़ा, इसका पार्ट देखिए वो दर्द होना शुरू हो गया, बंद कर दिया मैंने इसको, और ये तो ऑलरेडी पहले मैंने भी बंद किया। आज की वीडियो जी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।